नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब देश भर में कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 58,077 नए मामले सामने आए हैं। भारत का रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% हो गया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए केस में काफ़ी कमी आई है। ऐसे में कोरोना के नियमों में भी ढील दी जा रही है। इस बीच नोएडा के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस को लेकर लागू प्रतिबंध प्रशासन ने नोएडा से हटा लिया है। प्रशासन के फैसले के बाद नोएडा में अब सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट्स खुलने का रास्ता साफ हो गया है। कल यानी 12 फरवरी से सिनेमा हॉल और जिम खुल सकेंगे। शनिवार को वीकेंड होने के कारण सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में अच्छी संख्या में ग्राहकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट मालिक खुश हैं। सिनेमा हॉल मालिकों का कहना है कि इसकी तैयारी कर ली गई है। सिनेमा हॉल को सैनिटाइज कर दिया गया है। हॉल में किसी को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 36 दिन पहले डीएम ने 5 फरवरी को नोएडा में 1,000 केस होने पर ये पाबंदियां लगाई थी। प्रदेश में पाबंदियां लगाने वाला ये पहला जनपद था। बहरहाल पाबंदियां हटने के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि डीएम ने ये चेतावनी दी है कि बाजारों में कोविड नियमों की सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि केस बढ़े तो दोबारा से पाबंदी लगा दी जाएगी। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।